आखिर इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और मैं घबरा क्यों रही हूँ। मानती हूँ कि एक जालिम आदमी है ये, कहीं खा ही ना जाए मुझे ये। देखिए हशमत साहब, अगर आपने मुझे मेरे कपड़ों पर कमेंट करने के लिए बुलाया है तो मैं यही छलांग मार दूंगी समंदर में। अरे 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 नहीं लड़की, थोड़ा सांस तो लो, बैठो इधर। तुम इस तरह क्यों सोच रही हो? कुछ पूछना है तुमसे, इसलिए बुलाया है। चलो बैठो इधर। शाबाश, ये हुई ना बात। बस एक दो सवाल है, उनका जवाब दे दो मुझे। ओके, देखिए अगर गन की बात है तो नहीं ढूंढ सकती और असलहे के खिलाफ हूँ मैं, तो ये बात मत करिएगा। मेक लव नॉट फाइट, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। ठीक है बाबा, जो तुम कह रही हो मैं समझ गया हूँ। मैं एक खूबसूरत तोहफा चाहता हूँ, एक हसीन खातून के लिए, समझी? औरतों को क्या पसंद है क्या नहीं, इस मामले में बिल्कुल कोरा हूँ मैं। इस कहानी में लगता है आप ही हीरो हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है ना? कहीं तुम मुझे अपना हीरो तो नहीं समझ रही? आप तो मेरे वालिद की जगह हैं। मेरा मतलब था कि मोहब्बत का मामला लग रहा है। कौन है वो खुशकिस्मत खातून? अब इस बात को छोड़ो, वक्त आने पर बता दूंगा। बस मुझे ये बताओ कि क्या तोहफा दूं मैं उसे। आप बिल्कुल सही इंसान के पास आए हैं। पता है लव प्रिंसिपल कौन है? मैं हूँ। आशिक मिजाज लोग दूर दूर से मेरे पास आते हैं और PhD डिग्रियां लेके जाते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। गिफ्ट जो है बिल्कुल छोटी सी पैकिंग में होना चाहिए।